हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पार्टनर्स की करेंट एनर्जी, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। सो इन दोनों डेक्स को मैं यूज़ करूँगी। इस डेक से हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है, इस वक्त उनके लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं, और इस डेक से हम देखेंगे कि आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं। ठीक है, तो पहले हम उनकी करंट एनर्जी चेक करते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जी क्या चल रही है इस वक्त, करंट सिचुएशन उनके लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज़ गाइड करें। कार्ड नंबर 1 है 9 of Wands। कार्ड नंबर 2 है 7 of Swords। कार्ड नंबर 3 है क्वीन ऑफ वांड्स। टू मोर कार्ड्स। किंग ऑफ वांड्स, कपल आ गया यहाँ पे, क्वीन एंड किंग, एंड द लास्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है 10 of Wands विद 10 of Pentacles। यहाँ पर 10-10 की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत बर्डन्ड हैं, इनके ऊपर बहुत बर्डन है, बहुत अपसेट हैं, आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, आपकी तरफ जेस्चर देना चाहते हैं, लेकिन कुछ बर्डन्स हैं, कुछ सिचुएशंस हैं, कुछ इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से चाह के भी आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए बंदा कितना परेशान है। यहाँ पे 7 swords रखी हुई हैं इनके प्रोटेक्शन में, आप हमेशा इनको सपोर्ट कर रहे हैं, एंजल्स हमेशा इनको सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी इस बंदे को इतनी गाइडेंस मिलने के बावजूद ये श्योरिटी नहीं है कि क्या ये स्टैंड ले पाएगी या ले पाएगा। बहुत ज़्यादा ही बर्डन है इनके लाइफ में, इनका कर्मा बैगेज बहुत ज़्यादा है और ये अपने कर्मा बैगेज को क्लीन करना चाह रहे हैं, बहुत जल्द क्लीन करना चाह रहे हैं। इनसिक्योर हैं बहुत ज़्यादा, इनको ऐसा लग रहा है कि ये स्टैंड ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, किस सिचुएशन में कैसे क्या डील करना है, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। आपके साथ हो सकता है काफ़ी पुराना रिलेशनशिप हो, लेकिन आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी दिख रही है। थर्ड पार्टी यहाँ पर कपल है, या तो ये ऑलरेडी मैरिड हैं किसी और के साथ, और या तो फिर इनकी फैमिली हो सकती है, क्योंकि कपल आया है तो माँ बाप हो सकते हैं या भाई या भाभी हो सकते हैं, कोई है जो कि कंट्रोलिंग है, जिसकी बहुत ज़्यादा चलती है, जो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है घर में। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आपके पार्टनर प्यार तो आपसे करते हैं, बहुत टाइम से आपको इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये तो आपके साथ फैमिली भी इमेजिन करके बैठे हैं, जैसे कि आपके साथ बच्चे, पेट्स, एक हैप्पी फैमिली, एक सुंदर घर, बड़े बुज़ुर्ग सब लोग साथ में हैं, बहुत खुशियाँ हैं घर में, लेकिन इनका ये सपना पूरा नहीं हो रहा है क्योंकि ये बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, अपसेट लग रहे हैं। 2-3 दिन से ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं जैसे आपके पार्टनर बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, बहुत अपसेट हैं, बहुत ज़्यादा इनको कोई धोखा मिला है, और आज भी ये एनर्जी निकल कर आई है। इससे आप लोग ये ज़रूर समझिए कि 19 नवंबर को जो फुल मून हो रहा है वो इक्लिप्स डेफिनेटली इनके लाइफ में ये फुल मून मेजर बदलाव लेकर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी जो कर्मा बैगेज है वो पीक पे होगी, इनको कोई ना कोई ट्रिगर मिलेगा इनके कार्मिक से, ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। देखते हैं आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स।
मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके पार्टनर्स के दिल में क्या है, करेंट फीलिंग्स क्या सोच रहे हैं आपको लेकर? फर्स्ट कार्ड है सेक्सुअल फ्रीडम, सेकंड कार्ड है कंपैटिबिलिटी, थर्ड कार्ड है चिवेलरी। थ्री मोर कार्ड्स, ओके। द गार्डन, सेरेंडिपिटी, यिन एंड यांग। दो कार्ड और आ रहे हैं, द डिवाइन मैस्कुलिन, इमोशनल फ्रीडम। बॉटम ऑफ द डेक है कनेक्शन एंड डिवाइन फेमिनिन। यहाँ पर क्लियरली डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों एनर्जी आई है। इसका मतलब है कि आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स अवेकन हो चुके हैं, अवेकन हो चुके हैं दोनों ही पार्टनर्स। आप में से कई लोगों की फेमिनिन एनर्जी भी अवेकन हो गई और मैस्कुलिन एनर्जी भी अवेकन हो गई है। अगर आपके पार्टनर और आप दोनों बैलेंस्ड में हैं तो यहाँ पे परमानेंट रीयूनियन हो सकता है आपके कनेक्शन में। आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं। अगर आप बहुत हायर वाइब्रेशन में हैं, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम कर चुके हैं या कर चुके हैं, तो आपके पार्टनर अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। वो भी बहुत ज़्यादा ग्रो किए हैं, वो भी अब आपकी एनर्जी के पीछे पीछे अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, हायर वाइब्रेशंस में आ रहे हैं। इनके लाइफ में भी इनके कर्मा फटाफट से क्लींज होंगे। हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स की लाइफ से थर्ड पार्टी ऑलरेडी निकल चुकी हो, और अगर अभी भी है कुछ लोगों के लाइफ में तो आपके पार्टनर्स की लाइफ से ये चीज़ें निकलते हुए नज़र आ रही हैं, क्योंकि इन्होंने सरेंडर कर दिया है। जब तक डिवाइन मैस्कुलिन मतलब डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन सरेंडर नहीं करते, तब तक उनकी अवेकनिंग कंप्लीट नहीं होती है। सरेंडर करने के बाद ही अवेकनिंग कंप्लीट होती है, और यहाँ पर आप में से कई लोगों के जो पार्टनर हैं उन्होंने सरेंडर कर दिया है, इस रिलेशनशिप और इस कनेक्शन को फील कर रहे हैं। यहाँ पर कंपैटिबिलिटी फील कर रहे हैं, आपके साथ जो कनेक्शन है वो किसी और के साथ नहीं है। आपके साथ जो ये फील कर पाते हैं या कर पाते हैं वो किसी और के लिए फील नहीं करते। किसी और से डिटैच होने के बाद इन्हें वो दुख, वो दर्द नहीं होता, वो हार्ट में प्रेशर फील नहीं होता, वो हार्ट में तकलीफ़ फील नहीं होती जो आपसे दूर होने के बाद होती है। आपसे, आपको खोने के डर से इन्हें जो तकलीफ़ होती है वो इन्हें किसी और से फील नहीं हुई। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, स्पेशली फिज़िकली, या आपको इमेजिन करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली। आपको जब भी अकेले होते हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके बारे में याद कर रहे हैं। तो करेंट एनर्जी बहुत ही रोमांटिक है, बहुत ही ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा बैलेंस है। इमोशनल फ्रीडम की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि इनको किसी तरह की साइंस या ड्रीम्स या सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हैं, जिससे कि इन्हें गाइडेंस मिल रही है कि आप इनके कुछ ना कुछ आपके साथ इनका कनेक्शन है। क्योंकि इन्हें तो उतना पता नहीं होता है कि सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, हो सकता है ट्विन फ्लेम जानते भी ना हो। तो यहाँ पर इन्होंने जो भी प्लान कर रखा है आपके लिए ही कर रखा है, और आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और इन्हें पता है कि धीरे धीरे इस रास्ते पे आगे बढ़ते जाएंगे और इन्हें रास्ता मिलता जाएगा। अगर बहुत ऑब्स्टेकल्स हैं तो उन ऑब्स्टेकल्स से ये बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और यूनिवर्स की गाइडेंस से इनको सपोर्ट भी मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप में से कई लोगों के पार्टनर आपसे बात करना शुरू कर चुके होंगे, और या तो फिर करेंगे बहुत जल्द, अगर अभी तक आपको मैसेज नहीं आया है तो। आना चाहते हैं रिटर्न आपकी लाइफ में, इस तरह की एनर्जी यहाँ करेंट सिचुएशंस में दिख रही है। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन, पहले रून से देखेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स का क्या हो सकता है। दो वार्निंग मैसेज हैं, बाकी सारे पॉजिटिव एनर्जी है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से ज़्यादातर लोगों की लाइफ में आपको मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। आप अपने पार्टनर के साथ कुछ सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, या तो उनका बर्थडे, या तो आपका बर्थडे, या किसी फ्रेंड का बर्थडे, या फिर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगर वो ब्लॉक करके रखे थे तो आपको अनब्लॉक कर सकते हैं। आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर हो सकता है। अगर ऑलरेडी
कांटेक्ट में हैं, बातचीत हो रही है, तो वो आपको किसी तरह का गिफ्ट दे सकते हैं, किसी तरह का जेस्चर उनकी तरफ से, फॉरवर्ड मूवमेंट दिख रहा है। कुछ लोगों को कमिटमेंट मिलते हुए दिख रही है, कुछ लोगों के पार्टनर्स अपनी फैमिली में आपके बारे में डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर स्टेबिलिटी दिख रही है, यहाँ पर एक नई शुरुआत का जज्बा दिख रहा है, तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है, क्योंकि फुल मून की एनर्जी आ रही है, नियर बाय है, तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर हैवी एनर्जी फील करेंगे। यहाँ पर आपको, अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर सही से रिप्लाई नहीं कर रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं या आपको दिन भर में मैसेजेस नहीं कर रहे हैं, तो उनको मैसेज मत कीजिएगा जब तक उनका मैसेज ना आए। ये ना हो कि आप उन्हें कुछ पूछें, कुछ बोलें, आप बिना जाने कि उनके लाइफ में क्या सिचुएशंस चल रही हैं, बाद में आपको पछतावा ना हो कि यार मुझे नहीं बोलना चाहिए था, इससे अच्छा तो मैं मैसेज ही नहीं करता या नहीं करती, पहले ही ठीक था। तो इस तरह की एनर्जी हो सकती है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा सतर्क रहें। ये वार्निंग मैसेज सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कॉन्टैक्ट में हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। आपकी तरफ आपके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन टैरो से भी देख लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स का क्या होने वाला है। पहला कार्ड है फाइव ऑफ कप्स, हार्मोनी, सेवन ऑफ वांड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वांड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ वांड्स। यहाँ पर एनर्जी देखिए, फाइव फाइव की एनर्जी है एंड नाइन नाइन की एनर्जी है। बॉटम से अगर मैं कार्ड लूँ तो सेवन सेवन की एनर्जी है। यहाँ पर एंजल नंबर्स दिख रहे हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर के लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उनके लाइफ में जल्दी जल्दी कुछ चेंजेस होंगे। अगर वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनके लाइफ में अचानक से ऑब्स्टिकल्स आने लगे या बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी में रहने लगे, बहुत सैड, बहुत आइसोलेट, अपने करियर को लेकर बहुत डिस्टर्ब या अपनी डाइट को लेकर बहुत डिस्टर्ब या अपनी फाइनेंसेस को लेकर बहुत डिस्टर्ब, तो आप समझ जाना कि उनके लाइफ में कुछ मेजर हैपनिंग्स हो रही हैं और ये सब डिवाइन इंटरवेंशन से हो रहा है। तो आपको उसमें कुछ भी नहीं बोलना है, सिर्फ उन्हें ब्लेसिंग्स दें, उन्हें पॉजिटिव रखने की कोशिश करें, क्योंकि डिवाइन की मर्ज़ी के आगे किसी की मर्ज़ी नहीं चलती है। यहाँ पर अगर वो जिस चीज़ से डरते थे या डरती थी, उस चीज़ को रिलीज़ करेगी यूनिवर्स, उस चीज़ को ही रिलीज़ कर देगी। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अगर पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थे या अगर थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थे, पेरेंट्स हो गए, कोई भी हो गई, सिचुएशंस हो गई, तो आपके पार्टनर का वो फियर रिलीज़ होगा और उसके बाद आपके लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों को हेडेक्स हो सकते हैं या शोल्डर पेन हो सकता है या बैक पेन हो सकता है या आई के बैक साइड में आपके पेन हो सकता है, इस तरह की एनर्जी आपको फील हो सकती है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ऑब्स्टिकल्स से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं फॉर द रीयूनियन। लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। फाइव ऑफ कप्स क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में, क्यों सैड हैं या क्यों सैड होंगे? कर्मा से, कार्मिक साइकिल इनकी या तो एंड हो रही है या तो इनकी कुछ कर्मा फेस कर रहे हैं जिस वजह से डिस्टर्ब्ड हैं बहुत ज़्यादा। स्टैंड योर ग्राउंड क्यों आया है? रोन्स ने बताया था पेरेंट्स से बातचीत हो सकती है। यहाँ पे देखिए एम्परर विद बैलेंस, ये बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, थर्ड पार्टी और आपके बीच में सिचुएशंस को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, पेरेंट्स से बताते हुए नज़र आ रहे हैं, पेरेंट्स से अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। हारमोनी की एनर्जी क्यों आई है नेक्स्ट एक्शन में? थ्री थ्री टेम्पटेशन, आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी थी वो रिलीज़ होते हुए नज़र आ रही है, थर्ड पार्टी से डिस्टेंस बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, सबकी अलग सिचुएशंस हो सकती हैं। फाइव ऑफ वांड्स क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में?
थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स से निकलने की प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं. पेशेंस एंड प्लानिंग, इमोशनल विड्रॉवल की एनर्जी है फॉर द न्यू बिगनिंग. इन सब सिचुएशन से बाहर निकलना चाह रहे हैं. तो पूरी तरह से पावरफुल डिसीजंस होने वाले हैं आपके लिए. फाइव नंबर इंपॉर्टेंट है, 5-5 की एनर्जी है. विद इन 5 hours, 5 minutes, 5 days ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर सकती है. प्लीज़ गाइड करें एंजल्स. एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 6 कार्ड लिए हैं मैंने. आपकी प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरह का प्रॉफिट हो सकता है, कोई जॉब लग सकती है, किसी तरह की गुड न्यूज़ मिल सकती है करियर से रिलेटेड. लुक फॉर अ साइन की एनर्जी है. साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज पे बहुत ध्यान दीजिए, ड्रीम्स पे बहुत ध्यान दीजिए. यहाँ पर बी असर्टिव की एनर्जी है. ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी होपफुल. अबंडेंस की एनर्जी है. बहुत सारा ग्रोथ, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ आपके दिमाग में आ सकते हैं. कुछ लोगों की मदद आप कर सकते हैं. जो भी हो रहा है एक हैप्पी चेंज के लिए हो रहा है, सो जस्ट बी पॉजिटिव. सो ये है आज की रीडिंग. होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो. आने वाले 5 दिन या 5 घंटे के अंदर अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो ज़रूर बताइएगा. वीडियो पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें. चैनल पसंद आया हो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें. थैंक यू सो मच. बाय बाय.